हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, आज मैं करने जा रही हूँ ये कलरफुल आई मेकअप लुक। आप जैसे देख ही सकते हैं मैंने किया हुआ है और मेरी आंखें कितनी प्रिटी लग रही है। मुझे आज पहली बार मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे हमेशा अच्छा लगता है। और आप देखना चाहते हैं ये मैंने कैसे किया है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। या आप अपने साथ किसी शादी पार्टी, बर्थडे, किसी भी पार्टी वगैरह में आप इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीलर को अपनी आई लीड के ऊपर और अंडर आई एरिया पे लगाएंगे। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उस पर लूज़ पाउडर लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और बाद में कोई क्रीज ना नज़र आए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पर्पल शेड ले रहे हैं। इसको हम टेप लगाने के बाद अपने आई कॉर्नर से लेके अंदर की आई कॉर्नर से लेके अंदर की ओर लेकर आएंगे ब्रश से, स्मच करते हुए धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर शेड है और ये जब तक आप लगा सकते हो, मतलब ज़्यादा लेयर नहीं लगानी है, जब तक आपको अपना फेवरेट शेड ना मिल जाए, जो आप करना चाहते हैं मेकअप वो ना मिल जाए। इसको अच्छे से लगाने के बाद हम पिंक शेड लेंगे और इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा इसको स्मच करेंगे, सॉरी ब्लेंड करेंगे। इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने पहला शेड लिया था। इसको भी अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे ब्रशेज हैं, ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, आज चाहे तो आप भी मंगा सकते हो। एक आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी है और अगर आपको लगे कि हमारा पिंक शेड की वजह से हमारा पर्पल शेड ढक गया है तो उसके ऊपर फिर से एक बारी आप पर्पल शेड लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम हाफ आई लिड के ऊपर कंसीलर लगा रहे हैं और इसको भी अब हम ब्लू कलर से यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए जैसे कि मैंने किया है वैसे ही आप भी करें। और जब आपको आपका डार्क शेड मिल जाए तब आप इसको मन लगाइएगा, वरना जब तक आपको डार्क शेड नहीं मिलता आप लगाते रहिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पर्पल शेड और ले रही हूँ, कॉर्नर साइड लगा रही हूँ डीप दिखाने के लिए, और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड भी ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर यही होता है बस, मुझे आई मेकअप में मतलब थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सब कुछ दिखे कि मैंने कैसे कैसे कितनी बारी कौन सा शेड लगाया है। आप देखिए जैसे ही हमें ब्लू कलर लाइट लग रहा था तो हमने एक बारी और लगा लिया। मैंने बताया ना जैसे ही आपको आपका फेवरेट कलर ना मिले कि कैसा आपको बनाना था, जब तक आप लगाएं, यहाँ पर हमने दोनों साइड लगा लिया है। अब हम एक विंग आई लाइनर लगा रहे हैं, लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको भी आप टेप की मदद से ही लगाएं, काफ़ी सुंदर बनता है। और इसको हम थोड़ा सा विंग इस बार थोड़ा मोटा बनाएंगे। और आँखों के आगे की साइड हम ये एक वी टाइप का ड्रॉ कर लेंगे इन कॉर्नर पे, है ना, आई की शेप देते हुए विंग टाइप का हम एक बना लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कैमरे के पास भी आके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर स्टेप्स समझ आए। और थोड़ा बहुत जो हमारा सही नहीं विंग वगैरह बनता है उसको हम टेप हटाने के बाद भी सही कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इन कॉर्नर पे बना लेंगे, इससे हमारी आँखों का साइज थोड़ा और बड़ा बड़ा नज़र आएगा।
अब हमारे दोनों पे लग गए हैं, दोनों आंखों पे लाइनर लग गया है। अब अपनी लोअर आईलैशेस के नीचे भी हम ये डार्क शेड जो लिया था हमने पर्पल डार्क शेड, उसको ब्लेंड कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं हम, ताकि जब हम अपना काजल लगाएं इससे वो भी टिका रहता है और इसी से ही सारा आंखों का लुक आता है, ये मेन चीज होती है। आंखों का साइज भी बड़ा बड़ा लगता है। देखिए हमने जो आउट कॉर्नर की साइड पिंक लगाया था वहाँ पे हम पिंक ही लगा रहे हैं, जो इन कॉर्नर की साइड ब्लू लगाया था तो हम नीचे की साइड भी इन कॉर्नर पे ब्लू ही लगा रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अगर थोड़ा बहुत कुछ ख़राब भी होता है तो उसको हम बाद में टेप हटाने के बाद सही कर सकते हैं। हम लगा लेंगे काजल। काजल भी हम लोगों को ऊपर आई लिड पर और नीचे पर दोनों पर लगाना होता है। दोनों आंखों में हम लगा लेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और ये वीडियो मैंने कोई भी इसमें काटा पिटी नहीं की है, इसलिए आपको शायद बड़ा लगे और आई थिंक समझ भी आए। देखिए एक बार हम फिर से पर्पल शेड लगा रहे हैं काजल लगाने के बाद, ताकि वो अच्छे लंबे टाइम तक टिका रहे। और जो हमने विंग बनाया था हम उस तक अपना ये शेड लेकर जाएंगे पिंक वाला। और बाकी आपको अगर कुछ गिल्टर आई शेडो वगैरह, ओ सॉरी हाँ सही गिल्टर आई शेडो भी अगर यूज़ करना हो तो अपनी आई लीड के ऊपर जहाँ पे हमने ब्लू लगाया था वहीं पे उसी शेड का आप गिल्टर आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मेकअप करने के बाद लगता है कि हाँ हमारा ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसे थोड़ा और डार्क होना चाहिए था, या हमारा पिंक शेड अच्छा नहीं लग रहा है उसे थोड़ा डार्क होना चाहिए था, तो एक बारी आप फिर से अप्लाई कर लीजिए, बस आपको अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि पूरा मेकअप आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी आँखों का मेकअप अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने फॉल आई लैसेस लगा ली है, आईब्रो बोन पर हम लगा रहे हैं हाइलाइटर, और हम लास्ट हम लगाएंगे मस्कारा। उसके मस्कारा इसलिए लगाया जाता है ताकि दोनों आई लैसेस आपस में मिल जाए और ऑड ना लगे कि ये अलग से लगी हुई है। और फिर मिलते हैं हम पूरा मेकअप करने के बाद, अपना फाइनल लुक दिखाते हैं। हेलो गर्ल्स, ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरे आई मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आई मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।